चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे बसा भारत के प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमा में 38.2 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैले शांत व सुंदर क्षेत्र में हरियाली कुदरत की अनुपम देन है। विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं और वनों से घिरे चित्रकूट की देश नहीं दुनिया भर में ख्याति है। चित्रकूट में पूरे साल श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के 14 वर्षों में से 11 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए थे। चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत का भी धार्मिक महत्व है। श्रद्धालु यहाँ 5 किलोमीटर की परिक्रमा कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। जंगल और पहाड़ से घिरे इस इलाके में अनेक मंदिर हैं। रामघाट से 2 किलोमीटर की दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे जानकी कुंड स्थित है। ऐसी मान्यता है कि माता जानकी यहाँ स्नान करती थीं। जानकी कुंड के समीप ही राम जानकी रघुवीर मंदिर और संकट मोचन मंदिर है। यहाँ पर गुप्त गोदावरी स्थित है। यहाँ 2 गुफाएं हैं। एक गुफा चौड़ी और ऊंची है। प्रवेश द्वार संकरा होने के कारण इसमें आसानी से नहीं घुसा जा सकता। गुफा के अंत में एक छोटा सा तालाब है जिसे गोदावरी नदी कहा जाता है। दूसरी गुफा लंबी और सकरी है जिससे हमेशा पानी बहता रहता है। कहा जाता है कि इस गुफा के अंत में राम और लक्ष्मण ने दरबार लगाया था। पहाड़ी के शिखर पर स्थित हनुमान धारा है जहां हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति है। मूर्ति के सामने तालाब में झरने से पानी गिरता है। कहा जाता है कि ये धारा श्री राम ने लंका दहन कर आए हनुमान के आराम के लिए बनवाई थी। पहाड़ी के शिखर पर ही सीता रसोई है। यहाँ से चित्रकूट का मनोरम दृश्य दिखता है। चित्रकूट में सैलानी रंग बिरंगी नाव में बोटिंग का जमकर लुत्फ उठाते हैं। यहाँ बोटिंग के दौरान बर्ड वॉचिंग भी करते हैं। चित्रकूट धाम जो श्रद्धालु एक बार आता है वो दोबारा जरूर आना चाहता है। कार्तिक मास धर्म के महीना और दीप दान मेला जारी भैया चित्रकूट में दीवारी भैया चित्रकूट में दीवारी भैया चित्रकूट में दीवारी भैया चित्रकूट में दीवारी चित्रकूट में दीपावली हो तो दीपावली का देखो प्रत्येक घाट मंदाकिनी के जितने भी घाट हैं उन सब घाटन पे मंदाकिनी की कामद धारा मंदाकिनी की कामद धारा तुलसी तिलक राम को गारा तुलसी तिलक राम को गारा घाटन घाटन भीड़ अपारा। अब प्रत्येक घाट पे दीपावली के दिन बहुत भीड़ हो और उस भीड़ में सब नर नारी अपने अपने दीपक बना के दीपक जला के और जब गंगा जी में तैरा उठे उन दीपकन के लाने तो देखो आप उसे कैसो लगत। चित्रकूट वृंदावन बन गए चित्रकूट वृंदावन बन गए देख मुदित भय नर नारी भैया चित्रकूट में दीवारी भैया चित्रकूट में दीवारी भैया चित्रकूट में दीवारी। जब प्रत्येक घर से जितने घर जितने दर्शनार्थी चित्रकूट में जाते सब अपने अपने दीपक माँ मंदाकिनी में प्रवाहित करत उन दीपकन को जला के और जब दीपक मंदाकिनी में तैरत हैं देखो आप कैसे लग महिमा दीप दान की प्यारी महिमा दीप दान की प्यारी मिट गए ब्रज जन बात बिसारी मिट
गए ब्रज जन बात बिसारी, ईखो मानत दुनिया सारी। जब गंगा की धारा में गंगा अगणित दीप तैर रहे, गंगा अगणित दीप तैर रहे, राम अमावस मन हारी भैया, चित्रकूट में दीवारी भैया, चित्रकूट में दीवारी भैया, चित्रकूट में दीवारी भैया, चित्रकूट में दीवारी। हमाओ आप सब दर्शनार्थियों से जो के वो है कि अगर कभू ऐसे मौका पे ऐसे समय पे आप चित्रकूट पधारो, जब दीपावली होए तो अब वो अवसर छोड़ न दियो, दीपावली चित्रकूट की अवश्य करियो, अवश्य देखियो आप भैयो, दर्शन करके जइयो भैया, दर्शन करके जइयो, ओसर कबहू चूक ना जइयो, ई धरती पे पुण्य कमइयो, ई धरती पे पुण्य कमइयो। जब चित्रकूट जाओ और अमावस्या अगर पड़ रही तो अमावस्या का चित्रकूट में जरूर रहियो, हमारो आपसे जो के वो है। अरे ई धरती पे राम बिचर गए, ई धरती पे राम बिचर गए, नारी अहिल्या है तारी भैया, चित्रकूट में दीवारी भैया, चित्रकूट में दीवारी भैया, चित्रकूट में दीवारी। अब देखो चित्रकूट की, चित्रकूट की धरती को ऐसा प्रभाव है कि अगर उस धरती में पापी भी गए, पापी भी पहुंच गए तो उनको भी तरन तारण भाव चित्रकूट में। जो भी करत कामना मन की, कामता नाथ जी के दर्शन करो तो जो कामना अपने हृदय में लेके जाओ उस कामना की पूर्ति होते। जो भी करत कामना मन की, पीड़ा जानत है जन जन की, पीड़ा जानत है जन जन की, सुध भूलत है अपने तन की, ई दुनिया में पुण्य कमा गए, ई दुनिया में पुण्य कमा गए, नर नारी अत्याचारी भैया, चित्रकूट में दीवारी भैया, चित्रकूट में दीवारी भैया, चित्रकूट में दीवारी, हाँ चित्रकूट में दीवारी।